किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टमाटर की फसल में लगने वाला जो सबसे मुख्य रोग होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। टमाटर, मिर्च और बैंगन जैसे फसल में जो सबसे मुख्य रोग होता है किसान साथियों, पत्ता मुड़ने वाला बीमारी होता है, जिसको आम भाषा में पत्ता मुरड़क या फिर पत्ता लपेटक बीमारी भी कहा जाता है। अगर हम साइंटिफिकली देखें, इस बीमारी को लीफ कर्ल वायरस के नाम से जाना जाता है, और यह बीमारी दो तीन ऐसे फसल है जिसको कि बहुत ही अच्छे तरीका से इसको ये अटैक करता है, जैसे कि मिर्च का फसल हो गया, टमाटर का फसल हो गया और बैंगन का फसल हो गया। इन फसल पे इसका जो अटैक होता है वो काफी ज्यादा मात्रा में होता है और बहुत ही घातक साबित होता है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, दवाई से भी और अपने घरेलू तरीका से भी इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना चैनल अन्नदाता। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। खेती बारे के लिए जो भी जानकारी है वो आपको मिलती रहेगी। किसान साथियों, चलिए हम बात करते हैं इस बीमारी को पहचानने का जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके फसल में पत्ता मुरड़क बीमारी या फिर लीफ कर्ल वायरस कहीं अटैक है, उसके बारे में बात करते हैं। जब भी हम अपने प्लॉट में जाते हैं, विजिट करते हैं, तो उस समय आप देखते होंगे कि जो मिर्च का पौधा है या फिर जो टमाटर का पौधा है उसका जो नया वाला पत्ता आया हुआ रहता है वह मुरा हुआ रहता है। इस पत्ता जो ऊपर की ओर मुरा हुआ रहता है वह थ्रिप्स का लक्षण होता है। थ्रिप्स के अटैक करने के बाद ही वह पत्ता ऊपर की ओर मुड़ता है, और जो कुछ पत्ता होता है वह नीचे की ओर भी मुड़ा हुआ रहता है, जो कि माइट्स के अटैक होता है। बाकी पत्ता मुड़ने का जो बीमारी होता है यह कई कारणों से भी होता है, जैसे कि रिप्स हो गया, बाइट्स हो गया या फिर एफिड्स हो गया, और जो सबसे डेंजरस होता है व्हाइट फ्लाई, जो जिसको सफेद मक्खी कहते हैं। ये जो तीन चार प्रकार का ऐसा कीट है जिसकी वजह से यह बीमारी आपके फसल टमाटर, बैंगन और मिर्च की फसल में तेजी से फैलने लग जाता है। इसको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि आपके फसल में टोमेटो लीफ कर्ल वायरस यानी कि लीफ कर्ल वायरस का ही अटैक हुआ है। अब हम बात करते हैं किसान साथियों, इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से विधि को आप अपना सकते हैं जिससे इस बीमारी को अपने प्लॉट में नियंत्रण में पा सकते हैं, उसके बारे में बात। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कल्चरल तरीका होता है उसके बारे में। जब आप अपने प्लॉट में विजिट करते हैं तो उस समय अगर आप देखें कि जो कुछ कुछ ही पौधा होता है, जो गिना चुना पौधा होता है, अगर उसमें इस बीमारी का अटैक हुआ है तो सबसे पहले उस पौधे को उखाड़ कर अपने प्लॉट से बाहर कर दे, या फिर हो सके तो उस पौधे को आप मिट्टी के अंदर गला सकते हैं। इससे क्या होगा कि उस पौधे में जो भी वायरस का अटैक है वो आपके और भी पौधे पर और भी प्लॉट में नहीं फैल सकता है। अगर हम बात करें किसान साथियों केमिकल तरीके, तो केमिकल तरीके से इसका उपचार करने के लिए आज हम तो ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग है। एक समय में किसी एक कॉम्बिनेशन का ही आपको इस्तेमाल करना है, दोनों कॉम्बिनेशन को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। अगर हम बात करें किसान साथियों पहले नंबर पे जो कॉम्बिनेशन रखा हुआ उसके बारे में, इसमें आपको लेना है एसिटामिब्रिड 20% जो कि एसपी फॉर्म में आता है। एसपी फॉर्म का मतलब है सोल्युबल पाउडर फॉर्म में आता है, यह आपको लेना है 30 ग्राम। इसके साथ में लेना है किसान साथियों आपको डाइमेथोएट 30% जो कि एससी फॉर्म में आता है, सस्पेंशन कंसंट्रेशन फॉर्म में आता है, यह आपको लेना है 30 ml। इसके साथ में अगर कोई भी आप एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो आपको और भी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इन तीनों को अच्छे से 15 लीटर पानी बनाकर अगर आप अपने प्लॉट में सुबह में स्प्रे कर लेते हैं, या फिर 3 बजे के बाद जब मौसम थोड़ा सा ठंडा होता है उस समय अगर आप अपने प्लॉट में स्प्रे कर देते हैं, जो भी पत्ता मुरा हुआ है 48 से 72 घंटा के बाद वह पत्ता धीरे धीरे फूलने लग जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं किसान साथियों दूसरे नंबर पे जो हमने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है वो है इमिडाक्लोमिड 17.8% जो कि एसएल फॉर्म में आता है, यह लेना आपको 15 से 20 ml। इसके साथ में आपको लेना है किसान साथियों एसिटामिब्रिड 20% जो कि एसपी फॉर्म में आता है, यह भी आपको लेना है 15 से 20 ग्राम। इसके साथ में अच्छे रिजल्ट के लिए आप किसी भी कंपनी का अच्छा से अच्छा जो एंटीबायोटिक होता है उसको ले सकते हैं। इन तीनों को अच्छे से घोल बनाकर 15 लीटर पानी में अगर आप अपने प्लॉट में सुबह के समय में या फिर शाम 3 बजे के बाद अगर आप अपने प्लॉट में इसका छिड़काव कर देते हैं, जो भी पत्ता मुरा हुआ था, जो भी वायरस का लीफ कर्ल वायरस का अटैक था, वो धीरे धीरे 48 से 72 घंटा के बाद जब आप अपने प्लॉट में दोबारा देखने जाएंगे जो भी पत्ता मुरा हुआ था वो धीरे धीरे फूलने के स्टेज में आ जाता है। किसान साथियों में दोनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक समय में आप एक ही कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, अगर आप दोनों कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल साथ में करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट नुकसान में देखने के लिए मिल। तो किसान साथियों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने किसान साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अनाज के साथ। जय किसान।